A very good morning, everyone. This is Dr. Nitika Bhandari. I welcome you all guys on this India's greatest platform. And I really welcome you all. And I really appreciate you all जो यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं. साधना इज द फर्स्ट वन जिसने आज हमें ज्वाइन किया हुआ है. हाय साधना. वी आर डूइंग प्रोडक्शन बिहेवियर एंड सप्लाई. और मैं यहाँ पर इन चीजों को सिंपलेस्ट बनाने के लिए आती हूँ. सिंपलेस्ट. How are you guys? I welcome you once again. This is my introduction. This is Dr. Nitika Bhandari, PhD in Finance, double postgraduated, that is MCom and MBA, UGC with GRF qualified, CA inter qualified, and guys, I have teaching experience of 8 plus years. In fact, I should say 9 plus years. Let me discuss about the Unacademy Plus. Hi, Kannu. Good morning, bitte. भावे हाय गुड मॉर्निंग. बी एल लाइव इज माई कोड. आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इसको यूज करते हैं. अभी तक आप अगर अनअकैडमी पे के प्लेटफॉर्म पे नहीं आए हो, डू कम गाइज, डू कम आई शुड से. फीचर्स आप देखिए, जबरदस्त फीचर्स हैं. डेली प्रैक्टिस सेशन, वीकली मॉक टेस्ट, लाइव क्विज, और अब तो सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी आ चुकी है. मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो छोड़ी है. आशीष गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू. दिस इज द फीचर्स ऑफ अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. इसमें क्या है, आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी. मतलब आपको सब बताया जाएगा, बेटा ऐसे पढ़ाई करो, ये पहला चैप्टर करो, पहले इसके एमसीक्यू करो. तुम्हारे पेरेंट्स के साथ भी कनेक्ट किया जाएगा, आपको स्टडी प्लान दिया जाएगा, सब कुछ. एक आपको पूरी वीकली रिपोर्ट बना के दी जाएगी कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आपने कौन सी, मतलब टू गुड यार, टू गुड. मैं क्या ही कहूँ इसके बारे में. क्रिएटिव कॉर्नर तो यार आपको ऑलराउंडर बनाने के लिए है कि एकेडमिक्स में तो आपको अच्छा करना ही है. उसके अलावा और भी चीजें आप सीख सकते हैं. बस आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आना है. कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान ऑप्ट आउट कर लीजिए. अभी तो तुम लोग के ट्वेल्थ भी है, तो तुम कोई भी कर लोगे, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि अनलिमिटेड असेस मिलेगा आपको. अनलिमिटेड असेस. ऐसा नहीं है कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं आप उसी को पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप. क्या कंफ्यूज हो गए? क्या मैं ठीक कह रही हूँ? यहाँ पे काफी लोग तो प्लस के हैं भी, तो उनको तो पता ही होएगा. थैंक यू सो मच गाइस. जितने लोग यहाँ पर, अभी कम ही लोग मेरे साथ जुड़े हैं, क्योंकि लोगों के स्कूल्स वगैरह खुल गए हैं तो वो आ नहीं पाते हैं. मुझे मैसेज करते हैं, मैम इवनिंग में कर दीजिए, बट पॉसिबल नहीं है मेरे लिए इवनिंग में करना, क्योंकि इवनिंग में ऑलरेडी मेरी प्लस क्लासेस होती हैं, इसलिए मैं मॉर्निंग में आती हूँ. बट मैं तभी हमेशा थैंकफुल रहती हूँ उन लोगों के जो कि मेरे पास यहाँ पर आते हैं और क्लास को ग्रेसफुल बना देते हैं. आज मैं आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कराने वाली हूँ, जो कि इस तरह से करेंगे कि बस आज कर लोगे ना, पेपर में दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कुछ इस तरह से आज मैं आपको लॉ कराने वाली हूँ. सो गाइज, आप रेडी हैं करने के लिए? एवरीवन से यस. हाउस द जोश. अरे वाह, दैट इज ग्रेट यार, दैट इज ग्रेट. यहाँ पर मैं देखती हूँ जो लोग भी आते हैं उनका बस यही होता है कि मैम हमें एक एक छोटी छोटी चीज की क्लैरिटी हो जाए, ताकि लाइफ में हमें कभी भी इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम ना आए. दैट इज रियली गुड, दैट इज रियली गुड. चलो फिर मैं शुरू करवा रही हूँ आज यहाँ पर मेरे प्यारे से बच्चों के साथ. आज सीरियसली स्टूडेंट्स आर रियली लेस, तो तुम लोगों को एक तरह से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का ही यहाँ पर मजा मिलने वाला है. वन टू वन टॉक होगी मेरे साथ यहाँ पे. आहना, साधना और आशीष है मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए. आदित्या भी आ गए हैं, भवे भी हैं मेरे साथ यहाँ पर. तो हम लोग यहाँ पे वन टू वन टॉक करेंगे. आपको बिल्कुल यही लगेगा कि मैं आपसे पर्सनली बातें कर रही हूँ और पर्सनली आपके डाउट्स लेकर आपको चीज़ों को सिखा रही हूँ.
So are you ready now? यस मैम वी आर रेडी एंड देन लेट्स स्टार्ट. अच्छा सबसे पहले मुझे थोड़ा सा लिख के बताइए कि प्रोडक्शन फंक्शन से आप क्या समझते हैं. वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई प्रोडक्शन फंक्शन. सबसे पहले दिमाग में क्या आता है प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में सोचकर. कैन यू प्लीज टेल मी एनी वन ऑफ यू. प्रोडक्शन प्रोडक्शन वर्ड से हम क्या समझते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्शन. मतलब मैम मैन्युफैक्चरिंग का दिमाग में आता है कि हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और जब भी हम मैन्युफैक्चर की बात करते हैं वहां पर. वेरी गुड साधना. हाय दक्ष बिल्कुल ठीक. इनपुट आउटपुट की बात आती है. हाय हर्षित बिल्कुल ठीक आपने बोला. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमको करना है ना. वेट मैं निकालती हूँ. आजकल तो मैं वैसे भी आप देखते हो मैं स्लाइड्स तो दिखाती नहीं हूँ. खुद से ही करना मुझे बहुत पसंद है तो ये मैं खुद से ही तुम्हें करके दिखाऊंगी. यहाँ से कॉपीज गाइज निकाल लीजिए प्लीज एवरीवन. गुड मॉर्निंग आयुषी अर्चना हाय. गुड मॉर्निंग एवरीवन. हाँ गाइज कॉपीज प्लीज निकाल लीजिए अपनी क्योंकि ये कॉपी से ही आपको समझ आएगा. यूं नहीं आपको समझ आएगा. शॉर्ट रन कराने. अर्चना मैं बिल्कुल ठीक हूँ. गुड मॉर्निंग एंटरप्रेन्योर भैया याशी हाय. हाय दक्ष हेलो एवरीवन. आप लोग सब आ गए हो यहाँ पर और आई गेस आज मेरा ऑडियो वीडियो भी तुम लोग को क्लियर है बिकॉज लास्ट टाइम तुम लोग कह रहे थे मैम ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं है. तो आज मैंने कुछ सेटिंग्स में चेंजेस किए हैं तो मुझे लगता है अभी मैं बिल्कुल क्लियर दिख रही हूँगी तुम लोग को. एक बार यस लिख दो अगर मैं क्लियर दिख रही हूँ तो. अच्छा अभिषेक है. हाय अभिषेक क्या हाल है. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. बहुत अच्छा लगता है गाइस तुम मेरे पास सुबह आते हो. मेरी सुबह बन जाती है सीरियसली. तो लेट्स स्टार्ट. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो कि बच्चों को बहुत टफ लगता है तो उसको आज मैं कुछ इस तरह से सिखाने जा रही हूँ कि वो आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा. लेट्स स्टार्ट. सरस्वती माँ का ध्यान कीजिए और शुरू करते हैं. यस लॉ ऑफ. और ये पेपर के लिए गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेरिएबल प्रोपोर्शन. एक चीज याद रखिए ये शॉर्ट रन के लिए मैं करा रही हूँ. दिस इज फॉर शॉर्ट रन. हाय निधि. दिस इज फॉर शॉर्ट रन. ठीक है मेरी बात सुनो. शॉर्ट रन में आंसर्स प्लीज मुझे करते जाना साथ साथ में. शॉर्ट रन में ये पॉसिबल नहीं होता ना कि हम सब कुछ चेंज कर दें. यस और नो. शॉर्ट रन में ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. आप एक या दो फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं बट ये पॉसिबल नहीं है कि आप सब कुछ ही चेंज कर दें. ठीक है तो शॉर्ट रन में. हाय अमित हाउ आर यू. शॉर्ट रन में हम क्या करते हैं कुछ इनपुट्स हमारे पास फिक्स्ड रहते हैं और कुछ इनपुट्स को हम वेरिएबल बनाते हैं. सो यहाँ पर एक कॉलम बनेगा फिक्स्ड इनपुट का. ठीक है मेरे साथ साथ बना लीजिए कॉलम. इट वुड बी इजी फॉर यू समझना इसको. एक बनेगा फिक्स्ड इनपुट का. एक हमारे पास बनेगा गाइस वेरिएबल इनपुट जो हम नॉर्मली लेते हैं लेबर. क्योंकि लेबर को चेंज करना सबसे इजी होता है. आप और बंदे अपॉइंट कर लो क्योंकि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है गाइस कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है. तो एक हमारे पास ये आ गई वेरिएबल इनपुट. ओके नेक्स्ट कॉलम गाइस रहेगा टोटल प्रोडक्शन की. जो प्रोडक्शन है वो किस स्पीड से बढ़ रही है. दिस इज टोटल प्रोडक्शन. ओके ऑल राइट. हाय संजना. यस ओनली वेरिएबल फैक्टर्स. उसके बाद आएगी मार्जिनल प्रोडक्शन. टोटल मार्जिनल का ना जन्मों जन्मों का रिश्ता है. ये कभी एक दूसरे से बिछड़ती नहीं है. सो दिस इज मार्जिनल प्रोडक्शन. और यहाँ पर मैं बनाऊंगी गाइज लास्ट में स्टेजेस.
ये देखते हैं क्या स्टेजेस आती हैं। पहले मैं फिक्स्ड इनकम बता दूं आपको हमारे पास क्या है। मान लो लैंड एंड कैपिटल। लैंड एंड कैपिटल ये लॉन्ग टर्म है ना, लैंड एंड कैपिटल ये जितनी है उतनी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मान लो 5 एकड़ लैंड है हमारे पास और 4 यूनिट्स कैपिटल के हैं, ठीक है। ये अर्चना प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, लॉन्ग टर्म है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, वेरिएबल में अब हमने लेबर्स इंट्रोड्यूस किए ना, तो मैं आठ आठ बंदे इंट्रोड्यूस करती हूँ। पहले एक बंदा काम कर रहा था, फिर दो, तीन, यूं करके मैंने 8 लोग अपने रख लिए, 6, 7 और 8। कर रहे हो ना गाइस साथ साथ? बिकॉज़ साथ साथ करोगे मजा तभी आएगा आपको। ओके, अब क्या करनी है मुझे, टोटल प्रोडक्शन। जब ध्यान से सुनो, जब एक बंदा काम कर रहा था तो प्रोडक्शन हो रही थी 2 यूनिट्स। कितनी हो रही थी गाइस? 2 यूनिट्स। आई रिपीट वंस अगेन, जब एक बंदा, मैम इसमें एपी नहीं, ये एपी एपी नहीं आएगा इसमें, इसमें अभी मैं सिर्फ इसको एमपी से ही कराऊंगी। एपी का रिलेशन मैं बाद में बता जरूर दूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगी, बताऊंगी जरूर मैं टीपी एपी एमपी का रिलेशन, ठीक है। बट इसमें हम एमपी के साथ ही कर लेंगे। हाय अर्पण परी, गुड मॉर्निंग, ठीक है भवे। अच्छा, अभी एक बंदा काम कर रहा था तो 2 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे। जैसे ही दूसरा बंदा मैंने अपॉइंट किया, दूसरे बंदे को लगाया, तो टोटल मेरी हो गई 5। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, दूसरे बंदे के आने से इंक्रीज कितना हुआ है ये बता दो मुझे। अरे साधना एक बार दोबारा सोच, दूसरे बंदे के आने से कितना इंक्रीज आया है? कमॉन कमॉन बच्चों, वेरी गुड, 3 3, 5 माइनस 2, दिस इज 3। और पहला बंदा तो 2 प्रोड्यूस कर ही रहा था, दैट इज 2 माइनस 0, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब मैंने तीसरा बंदा भी अपॉइंट कर दिया, यार लेबर है ना ये, तीसरा बंदा भी अपॉइंट किया और जो मेरी प्रोडक्शन थी ना वो 9 हो गई। अब बताओ तीसरे बंदे के आने से नेट इंक्रीज कितना हुआ? तीसरे बंदे के आने से नेट इंक्रीज कितना हुआ? यस आशीष बाबू, एवरीवन गाइस बी पार्टिसिपेटिव इन द क्लास, मजा तभी आएगा। तो ये आपके पास हो गया 4। ओके नॉट बैड यार, एक एक बंदे से काफी अच्छा। हाँ अर्चना, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं क्या कर रही हूँ, पहले सिर्फ अर्चना काम कर रही थी तो अर्चना 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी। उसके बाद मैंने निधि को भी साथ में लगा दिया, तो जब अर्चना और निधि इकट्ठा काम कर रही हैं, कैसे निकला ये फिगर्स? ज़ूम कर रहे हैं हम साधना, ये हमें ज़ूम कर रहे हैं, ये कहीं से निकल के नहीं आ रही। जैसे अब निधि और अर्चना इकट्ठा काम कर रही हैं तो वो 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हैं। अब साधना तुम भी उनके साथ मिल गई हो, अब अर्चना निधि साधना तीनों मिलके प्रोड्यूस कर रही हैं, तो कितना प्रोड्यूस कर रही है? 9, इस तरह से, ठीक है। अब एक और बंदा मैंने साथ में लगा दिया, अमित को साथ में लगा दिया तुम लोग के। अब जैसे ही अमित आया तो टोटल प्रोडक्शन तुम्हारी इंक्रीज हो गई 12, और नेट इंक्रीज कितना हुआ गाइस? नेट इंक्रीज 3। अब कन्नू को मैंने साथ में लगा दिया, कन्नू चल तू भी काम कर साथ में, तो कन्नू आई जब तो 14 प्रोडक्शन हो गई टोटल कितनी, और नेट कितनी हो गई? 2। अब मैंने साथ में लगा दिया आशीष को, आशीष साथ में लगा तो बन गई 15, तो नेट इंक्रीज कितना हुआ? 1। अब मैंने साथ में किसको लगाना है, छोटू एंटरप्रेन्योर साथ में लगेगा, और जैसे छोटू एंटरप्रेन्योर लगा तो 15 की 15। सत्यम आज कॉन्सेप्ट डे है, जब मेंटी होगा मैं आपको बता दूंगी, अभी कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए सत्यम, थैंक यू बेटे। तो ये हो गया 0, 15 की 15 रही। अब यहाँ पे पता लग रहा है यार, और लेबर अपॉइंट करने से फायदा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि इनपुट तो हमारे पास फिक्स्ड थी ना, कितने को बंदे लगाते जाओगे? फिर भी मैंने चांस लिया, मैंने एक और बंदा लगा लिया। जैसे ही मैंने एक और बंदा लगाया, कुछ खास फर्क ही नहीं पड़ा यार, उल्टा टोटल प्रोडक्शन कम हो गई,
क्योंकि जरूरत तो थी नहीं, तो उल्टा 14 हो गया। अब मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई है, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं और लगाऊंगी। ठीक है, अब जरा मार्जिनल प्रोडक्शन को ध्यान दो। यहां तक हम देख पा रहे हैं इंक्रीज नहीं हो रहा, इंक्रीज नहीं हो रहा यहां पर। देखो जरा इतना हो रहा है ना। यस मैम, तो इस स्टेज को मैं कह सकती हूँ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। मतलब जैसे ही एक बंदा आता है आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। देख पा रहे हो ना यहाँ पर कि किस तरह से बढ़ रही है। हाँ जी मैम, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और ये देखो ये 3 2 1, ये क्यों होना शुरू हो गया। नो डाउट बढ़ रही है बट रिटर्न्स जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहे हैं, या जिसको हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी कहते हैं। देख पा रहे हो यहां पर। गुड मॉर्निंग एपी। हाँ, और लास्ट में तो यार हद ही हो गई है, लास्ट में तो हद ही हो गई है, नेगेटिव चला गया है, रिटर्न्स जो हैं वो नेगेटिव हो गए हैं। गॉड, टू मच हो गया यार ये तो। ओहो, मुझे तो टेंशन हो रही है यार, नेगेटिव रिटर्न्स, ओ गॉड। ये टेबल को एक बार गाइस समझ लीजिए, और गड़बड़ नहीं होनी चाहिए पेपर में, क्योंकि 99% चांस रहता है कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन आ ही जाता है और वेरिएबल प्रोपोर्शन ही आता है। ठीक है, फिर इसकी डायग्राम करते हैं, बड़ा मजा आएगा। कराऊं इसकी डायग्राम एक बार? यस लिख दो, इसको अच्छे से देख लिया ना तुमने। देखो पेपर में चाहे तुम फिगर्स चेंज कर दो, फिगर्स चाहे तुम चेंज कर दो, लेकिन ये रिलेशनशिप मत चेंज कर देना। रिलेशन ऐसे ही बनाना है, इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है, डिमिनिशिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न, रिलेशन ऐसे ही बनाना है। कॉस्ट बस इसके अगला चैप्टर ही है, अगर आज या आयुषी कंप्लीट हो गया तो मैं कल से कोर्स शुरू करा दूंगी। ठीक है, अब जरा इसकी डायग्राम बनाऊं मैं। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पर ये मैक्सिमम कब हो रहा है, जब एमपी जीरो हो जाती है। व्हेन एमपी जीरो, जब एमपी जीरो हो जाता है तो टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाता है। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? किस चीज का टाइम? लक्ष्मी गुड मॉर्निंग। ये टाइम सेम रहता है अर्चना रोज? यूट्यूब पे मैं 12th नहीं कराती हूँ एपी, वो बेटे अनअकैडमी पे चलता है। सेम होता है अर्चना, 9 o'clock की सुबह, हर रोज 9 o'clock होता है, सेम है। अच्छा अब इसकी जरा मैं डायग्राम बनाती हूँ, ध्यान देना यहाँ पर। ऊपर नीचे ना दो बना लो ग्राफ्स, एक, ठीक है, और मैं थोड़ा करेक्ट नहीं आ पा रहा है, आप प्लीज अपने हिसाब से करेक्ट कर लेना ये दो। ठीक है, एक मिनट मैं दोबारा बनाती हूँ, मजा नहीं आया। एक मिनट, इरेज ऑल इंक ऑन द स्लाइड, और यहाँ पे पेन ले लेते हैं ब्लू, 9 से 10। हाँ कन्नू, अनिकेत हाय, हाउ आर यू? ये दो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, कहाँ गया यार ये है। ये बहुत प्यारे डायग्राम्स हैं, मुझे बहुत, मेरे बहुत फेवरेट है, मजा आता है बना के, मुझे ऐसे लगता है मैं ड्राइंग कर रही हूँ। सबसे पहले ना एमपी बनाते हैं। अच्छा एक चीज देखो, एमपी पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है ना, ऐसे ही है ना, पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। तो इसको यूं ही मैं बनाती हूँ, पहले मैं इसको इंक्रीज करती हूँ ऐसे, और फिर ये यूं करके यूं डिक्रीज हो जाएगा, और इनफैक्ट ये नेगेटिव भी जा रहा है। ठीक बनाया मैंने है? थोड़ा सा मैं ज्यादा ही नहीं आगे ले गई?
दोबारा बनाती हूँ। ऐसे मैं तुम लोगों के लिए ऐसे कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ये प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल प्रैक्टिकली बता रही हूँ। ये यूँ पहले इंक्रीज हुआ, यूँ 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 करके ये डिक्रीज हुआ, पर ये इतना ऐसे चौड़ी लाइन नहीं आनी चाहिए। दोबारा बनाते हैं। सारी इंक की मैंने इरेज कर दी। चलो ये पेपर में यूं ही सारा टाइम लग जाता होता है और कंफ्यूज, फिर हम कहते हैं इकोनॉमिक्स बॉट ऑफ। इतनी प्रैक्टिस करके जाओ डायग्राम्स की कि कंफ्यूजन ही ना हो। ये देखो अब मैं बिल्कुल ठीक बनाऊंगी, यूं और यूं। देखा कितनी अच्छी बनाई मैंने यहां पर। हाँ बस आयुषी, यही तो बात है, यही तो इकोनॉमिक्स की खासियत है गुड़िया। ये देखो ये मार्जिनल प्रोडक्ट मैंने बनाया ना, यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट है मैक्सिमम। ये स्टेज, ये जो पहाड़ी बनी हुई है ना ऊपर को, ये मैक्सिमम है। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? और यहाँ पर क्या है? जीरो। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर जीरो है। इतना समझ आया? कन्नू तो क्यों दूरबीन से देख रही है? सैचुरेशन आदित्य, बिल्कुल अर्चना, बिल्कुल। अच्छा अब पता क्या करना है तुमने, एक मजाक करते हैं, अपना अपना कलर्स पकड़ो। ड्राइंग सिखा रही हूं मैं तुमको। ये जहां पर एमपी जीरो है ना राजा, यहां से ना लाइन को ऊपर ले जाओ। ये जहां पर एमपी जीरो है, मजाक कराती हूँ मैं तुम्हें जरा, क्या क्या करने वाली हूं ना देखना। वेट, ये ले गए हो? हाय हाय, यस तो लिख दो। अच्छा दूसरा क्या करना है, जहां पर ये मैक्सिमम है ना, यहां से भी एक लाइन खींच लो ऊपर की तरफ, जहां पर मैक्सिमम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यस तो लिखा, बताओ यस ही नहीं लिख रहे, मैं यहाँ पे भूलती जा रही हूँ। अब मैंने टीपी बनाना है। टीपी कुछ यूं बनेगी, जहां पर ये जीरो है, जरा ध्यान दो, जहां पर ये मैंने लिखा भी है यहाँ पर, जहां पर एमपी जीरो है वहां पे टीपी क्या होगा बेटे? मैक्सिमम। वहां पे टीपी क्या होगा? मैक्सिमम। और एक और चीज देखो, जब एमपी बढ़ रहा था तो टीपी स्पीड से बढ़ रहा था, एमपी भी बढ़ रहा है टीपी भी बढ़ रहा है, लेकिन टीपी स्पीड से बढ़ रहा है, देख पा रहे हो? और उसके बाद जब एमपी ने डिक्रीज होना शुरू किया ना, टीपी बढ़ रहा है लेकिन स्लो स्पीड से बढ़ रहा है, स्लो स्पीड से बढ़ रहा है। ठीक है चलो मैं जरा बनाती हूँ, यहाँ पे टीपी को मैक्सिमम लेके आना है। ये मैक्सिमम, क्योंकि इसके बाद ये डिक्रीज करेगा, तो ये तुम्हारी टीपी की डायग्राम बनेगी। और इसका इतना हुआ बनाया होता है बच्चों ने, बच्चों को लगता है कि मतलब ये वेरिएबल प्रोपोर्शन सबसे टफ चैप्टर है। तो आप देखो किस एंगल से ये टफ लग रहा है तुम्हें, जबकि जो चीज मुझे कहनी चाहिए वो तुम कह रहे हो कि मैम सब सेम ही तो है। ये आपने अगर यूटिलिटी का चैप्टर मुझसे किया है तब भी तो मैंने आपको यही चीजें समझाई थी। यहां मार्जिनल प्रोडक्शन लिखा हमने, यहां हमने टोटल प्रोडक्शन लिखा, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। ठीक है अब क्या करें मैम? मैं बताती हूँ क्या करो। ये तुम्हारी, ये जो मैंने ये लगाया ना, ये वाला साइन, ये जहां ये मैक्सिमम था, ये तुम्हारी फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, ये वाली तुम्हारी सेकंड स्टेज है।
और ये जो है ना तुम्हारी, ये तुम्हारी थर्ड स्टेज है जहां पे टीपी ने डिमिनिश करना। यार इस डायग्राम में से इतनी बढ़िया कॉन्सेप्ट्स निकलने वाले हैं ना, मैं अभी निकालती हूँ, जरा तुम लोग खुद ही निकालोगे यार, मुझे क्या निकालने की जरूरत है। एक चीज बताओ, जब टीपी डिमिनिश कर रही है तो एमपी क्या कर रही है यार, एक बार देख के बताओ जरा, ये नीचे को ले जाओ, बताओ एमपी क्या कर रही है। तो वाह, लक्ष्मी ने बता दिया यार, एमपी उस टाइम पे ना साथ ना डिमिनिश डिमिनिश। आयुषी करा दूंगी, पहले सिलेबस खत्म कर लें। नेगेटिव नेगेटिव, देखो यहां से नीचे आके देखो जरा क्या हो रहा है, नीचे आओ जरा। जो जीरो है ना, जीरो वो टीपी जब मैक्सिमम है, देखो यहाँ पे जब टीपी मैक्सिमम हो गई, ये टीपी मैक्सिमम है। बच्चों वाली चीजें लगेगी तुम्हें, रोज रोज सुनोगे ना, सच्ची में तुम्हें लगेगा यार ये तो सेम ही चीज है। अब एमपी जीरो है, अब एमपी जीरो है, ये भी बात समझ आती है, ये वाली दूसरी बात। दूसरी बात वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अभी जब एमपी मैक्सिमम है, ये दो तो मतलब साफ ही पता लग रहे हैं ना, टीपी एमपी का रिलेशनशिप समझ आ रही है ना। अब साथ में ना मैं एपी भी कराती हूँ, एपी, मैं एपी अभी तभी नहीं करा रही थी। हाय अबे, समझ आ रही है, एक बार फिर से डायग्राम देखो बच्चे, तो मैं एपी भी कराऊं, फिर मजे कराऊं तुम लोगों को जरा। मैं वेरी नाइस साधना, ये जो तुमने क्रिस्टल क्लियर लिखा है ना, इसने जो मुझे शांति दी है ना, एवरेज प्रोडक्ट लक्ष्मी, मैं बता नहीं सकती। चलो आओ भाई बच्चों, एपी की सैर करते हैं, आओ आओ आओ, लेट्स गो टू द वर्ल्ड ऑफ एपी। हाय अर्चना, चलो मैं फिर से एक टेबल बनाने लगी हूँ। टेबलों की दुनिया में, डायग्राम्स की दुनिया में नितिका मैम लेके जा रहे हैं अपने बच्चों को। और यहाँ पे लेबर, फिर से टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। अगर पिछली टेबल में कोई कसर रह गई थी ना, वो अभी ठीक हो जाएगी। अच्छा लेबर को बढ़ाते हैं यहाँ पे, वही पुराना वाले फिगर्स ले रही हूं मैं, 8 तक। लो ले ली फिगर्स, यस, आ जाओ मेरे साथ, चलो आओ चले घूमने चलते हैं। और जब एक बंदा काम कर रहा था, टोटल प्रोडक्ट थी 2, दो कर रहे थे 5 थी, वही पुरानी फिगर्स ही लिख रही हूँ, कोई चेंज नहीं, जो पिछले टेबल में लिखी है ना वही लिख दो। चलो जी लिख दिया, डन, ओके। अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंस, यू, पता है ना क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट भी हम। ये आप मुझे पिछली बार बता चुके हो, वेरी गुड आयुषी, कन्नू वेरी नाइस। गाइज जितना पार्टिसिपेटिव रहोगे क्लास में उतना ही मजा आएगा और उतनी ही क्लैरिटी बढ़ती रहेगी यहाँ पर। चलो अब एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर, मतलब
divided by 1, it comes out 2. 5 divided by 2, it comes out 2.5. 9 divided by 3, it comes out 3. 12 divided by 4, again it comes out 3. सब्ट्रैक्ट नहीं करना किसी को भी. तो ये मैं सारा टेबल बना देती हूँ यहाँ पर. बन गया ये टेबल. सबका कोई डाउट? इतने में कोई डाउट है यार, पूछ लो पहले. तो सबको क्लियर है इतना? गुड मॉर्निंग आदि, लेट नहीं हो गए? हाँ लक्ष्मी, बिल्कुल इतनी जल्दी ही डिवाइड कर लिया मैंने. हाय अभिजीत, हाउ आर यू? अर्चना, टोटल प्रोडक्ट तो आपने ये वो पिछला वाला ही लिया ना. मैंने मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, डिफरेंस. मतलब अगर तुम सेकंड का मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल रही हो, उसके प्रीवियस फिगर के साथ माइनस कर देना. 2, 3, 9 माइनस 5 इज 4, 12 माइनस 9 इज 3, 14 माइनस 12 इज 2, लाइक दिस. ओके अर्चना. आकाश क्या हाल है बेटे? और उसके बाद जो एवरेज प्रोडक्ट है, आकाश क्या हुआ बेटे, बता मेरा बेटा मुझे. यू कैन आस्क मी बेटे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग नो नो नो. हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हमने उसको एक ही यूनिट से इंक्रीज करना होता है इसलिए. और एवरेज का फॉर्मूला तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर, मतलब दिस divided by this. I hope अभी तो सबको क्लियर हो गया. या अर्चना, you can tell me. Now I guess it is clear to you. अर्चना ओझा. तो मैं इसका एक relationship बताती हूँ. बड़ा मजा आएगा यार relationship बनाने में ना. ये economics के बड़ा ही मजा आता है. मुझे तो literally बहुत मजा आता है. नहीं 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 लक्ष्मी, एक एक यूनिट से बढ़ाना है, वो तो फिर कभी रिलेशंस निकलेंगे ही नहीं. तुम देखो, जब हम मार्जिनल यूटिलिटी भी करते होते थे, एक एक यूनिट से बढ़ाते थे. रविंद्र हाय, हाउ आर यू? अच्छा, यहाँ पे ना मैं तुम्हें एक बड़ी मजेदार चीज, एक कहानी कह लो, कुछ भी कह लो, बड़ा मजा आएगा तुम्हें. ये देखो, ये एमपी है, ये एपी है. दीज आर टू फ्रेंड्स, ये दो दोस्त हैं, एमपी और एपी. ओके, देखो ये एमपी बढ़ रहा है, ये बड़ा, ठीक है यहाँ तक. एपी भी बढ़ रहा है, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, एक मुझे बात बताओ आकाश. एमपी भी बढ़ रहा है, एपी भी बढ़ रहा है. अब आप मुझे एक बात बताओ आशीष, कि कौन सा स्पीड से बढ़ रहा है? एमपी भी बढ़ रहा है, एपी भी बढ़ रहा है, कौन सा स्पीड से बढ़ रहा है? एमपी के एपी, ये बताओ. मैम एमपी, तो एमपी जीत गया, एमपी विंस. क्यों? क्योंकि एमपी स्पीड से बढ़ रहा है, एक एक यूनिट से बढ़ रहा है, ये 0.55 से बढ़ रहा है.
ये कॉन्सेप्ट यू पेपर में नहीं लिख के आना है, एमपी विंस, ये मैं तुम्हें सिखाने के लिए करा रही हूँ। ये बात देख लेना, एमपी विंस कहीं लिख के मत आ जाना। वाह क्या बात है, आयुषी तो पूरा अच्छा वाला कॉन्सेप्ट बता रही है। अभी आयुषी हायर टू लोअर एपी बढ़ रहा है एमपी। हाँ वो तो बात की बात है ना, अभी मैं सिर्फ पहले तीन फर्स्ट स्टेज की बात कर रही थी। ये फर्स्ट स्टेज है ना हमारी। हाँ अब देखो, ये पहला रिलेशन, दूसरा रिलेशन। देखो यार एमपी भी कम हो रहा है, एपी भी कम हो रहा है, देखने वाली बात है। एमपी भी कम हो रहा है, एपी भी कम हो रहा है, लेकिन जो एमपी है वो स्पीड से नहीं कम हो रहा, आप देख पा रहे हो जरा, ये तो धीरे धीरे धीमे धीमे कम हो रहा है। 3 फिर 2.8 फिर 2.5, देख पा रहे हो यहाँ पर? तो गिरने में भी, डिक्लाइन होने में भी एमपी जीत गया। एमपी विंस, तो दोनों केसेस में ही एमपी जीत जाता है, चाहे वो बढ़ रहा होता है चाहे वो कम कर रहा होता है। समझ आ रही है इतनी बात? सारे बच्चे बताएंगे मुझे, इतनी बात समझ आ रही है ना सबको? क्या बात है क्या बात है, मजा आ गया मजा आ गया यहाँ पर। चलो अब इतना तो अच्छा, एक चीज और है, एपी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता यार, हमेशा ये याद रखना, एपी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और एक स्टेज आएगी जब एपी जो है वो एमपी के इक्वल हो जाएगा, देखो। और जब एपी एमपी के इक्वल हो जाएगा उसका क्या मतलब होगा कि एपी और एमपी क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट, जब इसकी हम बनाएंगे ना इंटरसेक्ट। अब इसकी डायग्राम बनाओगे ना आपको और क्लियर हो जाएगा, एपी और एमपी की डायग्राम जब बनाएंगे ना और क्लियर हो जाएगा आपको। एपी आया कहां से बेटे? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर। आशीष ये मैं बता चुकी हूँ, हो सकता है आपका नेटवर्क उस टाइम पे प्रॉब्लम हो, आप सुन ना पाए हो मुझे। और टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर, ठीक है आशीष बाबू? अब डायग्राम्स बनाने का आ गया है टाइम, बट पहले मुझे सीरियसली सब बच्चे बताओ, इतना क्लियर हो गया ना सबको? क्या बात है क्या बात है। बस चलो फिर मैं अभी डायग्राम बना रही हूँ। एक बार फिर से देख लो गाइस, आपको पता है मैं इस लेक्चर में बहुत धीरे धीरे कराती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए आपको। चलो अब इसके डायग्राम बनाते हैं जरा। सबसे पहले एमपी बनाना तो सबको आता ही है ना, एमपी मैंने पहले भी बनाया था कि एक जगह पे उसको मैक्सिमम करके ना यू उसको नीचे की तरफ ले आओ, नेगेटिव कर दो। अब मुझे एपी बनाना है, एपी और इंटरसेक्ट भी करना पड़ेगा एपी को, तो मैं यू बनाती हूँ एपी। यू इंटरसेक्ट तो करना ही पड़ेगा ना, यू बन गया एपी, ये मान लो ये एपी बन गया, यहाँ पे मैंने काट दिया इसको, एपी इज इक्वल टू एमपी हो गया। पहले सुन लो, मैं आपकी चैट एक मिनट देखती हूँ, मैं अभी आपकी चैट नहीं देख रही हूँ, मैं अभी जो है सिर्फ इसके ऊपर ही फोकस कर रही हूँ, ठीक है? तो फिर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, पहले मुझे एक बार डायग्राम बना लेने दो। ये एपी बन गया, ठीक है, ये एमपी बन गया। अच्छा
जब देखो बढ़ने की बारी थी तब एपी स्पीड से बढ़ रहा है, एपी सॉरी एमपी स्पीड से बढ़ रहा है। देखो ये इंक्रीजिंग है ना, तो ये एमपी जो है ये ऊपर की तरफ है, एपी नीचे की तरफ है। जब गिरने की बारी आई तब भी एमपी स्पीड से गिर रहा है, तो एमपी नीचे की तरफ है, एपी ऊपर की तरफ है, क्योंकि एमपी क्या है, स्पीड से गिर रहा है यहां पर। और यहां पर तो एमपी जीरो हो गया, एपी ने कभी जीरो नहीं होना, ना ही नेगेटिव होना है। और यहाँ पे एमपी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। मेन चीज आपको जो याद रखनी है वो ये है कि जब बढ़ाना है, ध्यान देना, मैं एक बार फिर से बताती हूँ आपको क्या करना है। आपको जब बढ़ाना है दोनों को तो एमपी को ऊपर रखना है, जब इंक्रीज करना है तो एमपी को ऊपर रखना है, क्योंकि एमपी स्पीड से बढ़ता है। यस और नो, इतनी समझ आई बात? अलीशा जल्दी लूंगी बेटे। तरुण हेलो बेटे, गुड मॉर्निंग। प्रज्वल हाय, गुड मॉर्निंग, आई एम गुड, यू से। और जब गिरने की बारी आएगी एमपी को नीचे रखना है। व्हेन इंक्रीज एमपी इज अबव एपी, ये लिख ही लो, याद रहेगा। व्हेन डिक्रीज एमपी इज बिलो एपी, ये लिख लो आप एक चीज, ठीक है। अब अच्छा, आपने मुझे ये नहीं पूछा कि मैम ये इंटरसेक्ट कैसे करे आपने। ये देखो, थ्री इज इक्वल टू थ्री आया था ना, ये थ्री इज इक्वल टू थ्री आया था, एपी तो मैक्सिमम था इस केस में, बट जो एमपी था वो गिर रहा था। सो जहां पे एपी मैक्सिमम होगा, दिस इज एपी मैक्सिमम, लेकिन जो एमपी है वो गिर रहा है। अब इस डायग्राम को मैं एक बार दोबारा से बनाऊंगी। चलो आओ दोबारा बनाए, एक डायग्राम को कम से कम गाइस दो दो तीन तीन बार बनाएंगे ना हम लोग इंक्लूडिंग मी, तभी हमें समझ आएगी। एमपी तो बनाना आ गया ना, सिंपली ये एमपी बना दिया मैंने, ये तो मतलब सौखा ही है। इसको जीरो कर दो, इसको नेगेटिव कर दो, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है। अब मुझे एपी बनाना है, यहां से मैं एपी बनाती हूँ, और कट कहाँ करना है, जहां एपी मैक्सिमम होगा, मतलब यूं यूं, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये एपी है मैक्सिमम, लेकिन एमपी क्या हो रहा है, एमपी डिक्लाइन कर रहा है, एमपी यहां पे मैक्सिमम है। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, ये नोट्स के लिए तुम्हें याद रहेगा ना ये चीज। व्हेन नहीं, इस व्हेन मत लिखो, लंबा सेंटेंस बन जाएगा, छोटे सेंटेंस में मैं इसको कवर करती हूँ। इंटरसेक्ट एपी एंड एमपी एट दैट पॉइंट इंटरसेक्ट एपी एंड एमपी एट दैट पॉइंट वेयर एपी इज मैक्सिमम एंड एमपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, ये लाइन लिख लो। कौन सा सेकेंड पॉइंट, पिछला, ये वाला, दैट्स इट गाइस, दैट्स इट, ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। बताओ और क्या चाहिए हमें। इसको समझने की कोशिश करिए। इज दिस क्लियर? When increase MP is above AP, when decrease MP is below AP, and intersect AP and MP at that point where AP is maximum and MP starts declining. ये points guys तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, ये मैं अपनी तरफ से ही बनाए हैं अभी तुम लोगों को समझाने के लिए। That's it.
और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी आई गेस सबको क्लियर हो गया। एवरीवन इज क्लियर विद दिस ना? हाय मानस, इतनी लेट? हाय भावे। हाँ भावे, देखो चैप्टर भी खत्म हो गया। मानस लेट आई हो, एक बार रिकॉर्डेड जरूर सुनना। आज मैंने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कराया इन अ वेरी इजी वे, इन अ वेरी वेरी इजी वे। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं मानस। सबको क्लियर हुआ? ये देख लो एक बार, शॉर्ट रन प्रोडक्शन में सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं, फिर नेगेटिव रिटर्न्स होते हैं। कंग्रेचुलेशंस भावे। टू कमोडिटीज केस, उसमें कुछ भी नहीं है गाइज। कोई प्रॉब्लम है मुझे पूछ सकते हो, उतनी देर ये आगे भी इसने मेरे से पूछा था मानस ने। टू कमोडिटीज केस नहीं, हमने खुद ही बनाना होता है साधना। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए सिंपली। थैंक यू याशी। ये कंडीशन मानस सेटिस्फाई होनी चाहिए सिंपली, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई के इक्वल आ जाएगा ना, डिवाइडेड बाय पी एक्स पी वाई। और नॉर्मली हम पी एक्स पी वाई को वन ले लेते हैं सो दैट हमारे लिए इजी हो जाए थोड़ा करना बस। और इधर डायग्राम बना देना यू। मान लो कोई कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो एट एट हो, ठीक है? तो वहां से एक लाइन ड्रॉ कर देना और जितने भी यूनिट्स होंगे, मान लो यहाँ पे 4 यूनिट्स हैं, यहाँ पे 2 यूनिट्स हैं, तो ये इसके साथ यूं हो जाएगा ना, और ये इसके साथ यूं को, तो ये और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएंगे टू कमोडिटीज के। दैट्स इट। टीपी को खुद ही बनाना होता है। एपी एमपी भी कर लिया ना हमने। एपी एमपी जो है इट इज अबव एपी। MP is below AP when diminishing, और AP जब maximum होगा तो MP starts declining। थोड़ा सा तुम्हारा self test लूँ मैं, जरा तैयार हो self test के लिए? हल्का फुल्का सा लेती हूँ जरा मैं, 5-10 मिनट भी निकल जाएंगे हमारे और तुम लोगों ना थोड़ा सा मिल जाएगा। और क्या मानस? सरस्वती माँ की कृपा से खत्म हो गया। ये देखो ना, ये मैंने चीजें तुम्हें कराई हैं, वो तो मैं खुद स्लाइड्स बनाती हूँ ना, अदरवाइज देखो ये चीजें कराई हैं मैंने तुम्हें सिंपली। ये देखो कितने इजी तरीके से हमने कर लिया। एमसीक्यू कराने लगी हूँ अब मैं तैयार हूँ। वाह क्या, 2 दिन में? 6 दिन हो गए मानस हमको ये करते हुए। ये तो चलो, ये बताओ टीपीपी डिराइव्ड फ्रॉम एमपीपी, मतलब इसका मतलब क्या है? टोटल प्रोडक्शन हम एमपीपी से डिराइव करते हैं। टोटल टीपीपी है टोटल प्रोडक्शन। कैसे? मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन से टोटल प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये बताना है तुमको। जल्दी बताओ। हाँ ठीक है मानस, भेज दूंगी बेटे। नहीं नहीं सप्लाई तो लास्ट वीक चल रहा था, स्टार्टिंग में, ये ट्यूसडे से शुरू कराया हुआ है प्रोडक्शन है। सब अलग अलग आंसर्स दे रहे हैं यहाँ पे सारे बच्चे अलग अलग। सोच के देखो यार, तुमने इतने, मैंने तुम लोग को टेबल्स करवाए हैं, थोड़ा सा सोच के देखो।
टोटल प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन से कैसे निकलता है? माना एक्चुअली पता क्या है, जो पीपीटी है ना वो हम टेलीग्राम पे नहीं भेज सकते हैं, तो इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके ना मैं आपको भेजूंगी, ठीक है? एम पी इज इक्वल टू, अरे वाह क्या बात है आयुषी, बहुत बढ़िया। ओके आकाश तुम गलत लिख रहे हो, निधि का ठीक है। जिन लोगों ने ए लिखा है, आशीष ने, निधि ने, वंश ने, और वंश, वंश तुमने बहुत अच्छा लिखा, आई एम सो हैप्पी। वंश तुम कब से आए हुए हो क्लास में? मोहम्मद रिजवान, ये यार एडिशन है, इसको तुम प्लस करते हो तब टोटल प्रोडक्शन निकलती है। तुम्हें पता तो है टोटल प्रोडक्शन किसकी इक्वल होती है? सिग्मा एमपी। तो सिग्मा क्या होता है? सिग्मा टोटल, टोटल प्रोडक्शन एमपी को ही टोटल करके निकलती है। क्लियर हुआ? चलो ये बताओ, जो फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है, फिक्स्ड कॉस्ट कर्व ये हॉरिजॉन्टल होती है यार, हॉरिजॉन्टल समझते हो? क्यों? निधु नहीं गई, कन्नू भी नहीं गई, याशु भी नहीं गई, अच्छी बात है ना। अच्छा निधि का हालचाल सारे बड़ा पूछ रहे, क्या बात हो गई ऐसी है? कमाल हो गई है। इसका आंसर दो, सलाम वालेकुम। हाय मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं बता रहा, इसके ऑप्शन तो बताओ। सिर्फ मुझे ये साधना, लक्ष्मी, याशी, आशीष, इट रिमेन सेम इवन इफ फिक्स फैक्टर चेंज, इस ऑप्शन को कह रहे हो तुम लोग? ऊपर आयुषी ने भी मुझे आंसर दिया था, कम ऑन यार, जल्दी बताओ। बस एक दूसरे को कॉपी कर रहे हो। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, ए ऑप्शन गलत है, ए इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। अब बताओ कौन सी ऑप्शन को मार्क करोगे? फिक्स्ड कॉस्ट कर्व हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल समझते हो? मैं बना के दिखाती हूँ तुमको, ये देखो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये मैंने फिक्स्ड कॉस्ट कर्व बनाई है। सबका ही गलत है। अच्छा वो ये सी वाला आकाश, तुम इतना सारा सी कर रहे हो ना, ये सी वाला भी गलत है, ये भी, डी वाले भी गलत हैं, ए वाले भी गलत हैं, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इम्पॉसिबल थोड़ी है आकाश, तुम चेंज तो कर ही सकते हो ना, ऐसा थोड़ी है इम्पॉसिबल हो गया। बी इज द करेक्ट ऑप्शन कि शॉर्ट रन में ही कांस्टेंट रहता है यार, जैसे हमने वो करा नहीं था लैंड एंड कैपिटल। हाँ कन्नू का ठीक था, वाह रविंद्र, रविंद्र ने सबसे पहले आंसर दिया था करेक्ट। चलो ये बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन, एपीपी मतलब एवरेज प्रोडक्ट हो, मैंने सिखाया ना तुम्हें, और टोटल प्रोडक्ट से कैसे डिराइव करते हैं? कोई बात नहीं आकाश, ये बताओ एवरेज प्रोडक्ट को टोटल प्रोडक्ट से कैसे करते हैं? सारे बच्चे आंसर देंगे, मैं फिर बताऊंगी करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है?
मोहम्मद रिजवान यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप बनाने अलाउड नहीं है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ये है बेटे टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर। ये मैंने आपको बताया हुआ है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर, ये मैंने आपको बताया है ना। ये देखो मैं एक बार तुम बता ही देती हूँ, इनफैक्ट एक मिनट तो पीछे जाना पड़ेगा उसके लिए मुझे। ये देखिए ये टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर कराया ना मैंने तुम्हें, बस यही चीज है। दैट्स इट यार, थोड़ा सा तुम्हें आइडिया मिल गया अब किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। बस अब पेपर में तैयारी इसी हिसाब से कर लेना, और जो है मेरा नाम रोशन करके आना है। इतना मैं तुम्हें इजी इजी टेक्निक से सिखा रही हूँ सिर्फ इसीलिए कि मेरे बच्चे जो है पेपर में दी बेस्ट बन जाएं। चलो एक और कर ही लेते हैं यार। ये तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वैलिड कब है? ये जो आज हमने किया है, आज ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन था। और क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी। कम ऑन कम ऑन। यस यस द करेक्ट आंसर। अभी आज हमने यही तो किया है। हाय मुस्कान, यस इट इज ऑप्शन नंबर ए गाइस, इट इज ऑप्शन नंबर ए दैट ओनली वन इनपुट इज फिक्स्ड एंड अदर इनपुट्स आर वेरिएबल। वो अरे 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 एक मिनट यार, मैं गलत आ गई। वेरिएबल प्रोपोर्शन था तो रिटर्न टू स्केल आ गया ना, ये तो गलत हो गया। एक मिनट इसको मैं इरेज कर देती हूँ। हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे ना। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस। वेरिएबल प्रोपोर्शन, वन इनपुट इज फिक्स्ड एंड अदर इनपुट्स। वेरी गुड, जिन्होंने ए करेक्ट किया है। थैंक यू गाइस एंड दैट्स इट विद द टुडेज लेक्चर। कल अब हम कॉस्ट शुरू करेंगे, और कॉस्ट के भी इतने प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स हैं। और बीच में ना मैं तुम्हारे लिए एक मेंटी भी लेकर आऊंगी। और गाइस आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो, मान नहीं रहे हो कि BN लाइव कोड यूज कर कर मेरे पास आ जाइए। बहुत मजा आएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सिंपली तुमको सब्सक्रिप्शन लेनी है, कोई भी ले सकते हैं। 6 मंथ्स की ले लीजिए, बेटर रहेगा। और उससे क्या होगा, तुम्हें अनलिमिटेड असेस मिल जाएगा, आगे पीछे की सारी क्लासेस तुम देख सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है ना यार महीना 2 महीने में पेपर खत्म हो जाने, यार इतने बढ़िया कॉन्सेप्ट्स समझने के लिए, उसको अपने दिमाग में फिट करने के लिए अगर 1000-1500 रुपया खर्च करना पड़ गया, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ी बात है मेरे बच्चों। और यहाँ पर YouTube पे बहुत सारे मेरे बच्चे, अरे थैंक यू सो मच, आज 12:30 बजे क्लास है ना, सबको बता देना। 15 मंथ्स तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। और मैं तो तुम लोगों को सजेस्ट करूंगी यार, चाहे 18 महीने का ले लो। मतलब 1000 रुपया यार, मतलब मुझे नहीं लगता 1000 रुपया बहुत बड़ी अमाउंट होती है। वेरी गुड आयुष, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे प्लस के हैं, आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं। यार मैं कोई यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रही हूँ कि बहुत फायदा है, बहुत फायदा है, रियली में बहुत फायदा है। और मैं चाहती हूँ पूरे इंडिया को फायदा मिले, सबको फायदा मिले। इसलिए मैं यहाँ पर बार बार तुम लोग को रेकमेंड करती हूँ कि आप प्लीज जो है प्लस को लीजिए। 12:30 बजे प्लस की क्लास है रविंद्र। प्लस अगर तुमने सब्सक्राइब किया हुआ ना, तुम सिर्फ तभी ले पाओगे वो क्लास। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की क्लास रहेगी, द क्लास वुड बी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है,
चलो ऑल राइट गाइस, आई एम गोइंग टू एंड द लेक्चर हियर। कोई अगर आप एक बार पढ़ के देख लेना। अच्छा रोशन हो आप? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटे, तो आप मेरे पास आ सकते हैं और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मेरे से पढ़ सकते हैं इन अ वेरी इजी वे इफ यू हैव जॉइंड द प्लस क्लास, राइट? सो थैंक यू सो मच। और भी जो स्पेशल क्लासेस मैं लेकर आऊँगी उसके बारे में आई विल टेल यू गाइज, मैं आपको बता दूंगी जो भी स्पेशल क्लासेस मैं यहाँ पर तुम लोग के लिए लॉन्च करूंगी, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको भी सब्सक्राइब करने के लिए आपको बी एन लाइव ही यूज़ करना पड़ेगा। बी एन लाइव यूज़ कर लोगे आप फ्री में उसको देख पाओगे। ठीक है, सो हियर आई एम गोइंग टू एंड लेक्चर। बाय एवरीवन, टेक केयर।